हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धनंजय सिन्हा दास एंड टॉपिक इज सिंटैक्स, बेसिकली डिफिनिट आर्टिकल। इसके पहले आर्टिकल में इंडिफिनिट आर्टिकल जो ए एन एन होता है इसके बारे में पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है। अब यहाँ पे हम डिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द का यूज हम कहां करते हैं? कुछ ऐसे सर्टेन नाउन होते हैं जिनके पहले अनिवार्यतः हम द का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो हमें यह पढ़ना है कि द का प्रयोग हम अक्सर कहां करते हैं। तो कुछ सर्टेन नाउन हैं जिनको हमें लर्न करना होगा, जिनको प्रैक्टिस के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। जैसे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम कहां करते हैं? माउंटेन, जो पर्वत का नाम होता है, पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। जैसे हम द हिमालयाज, हिमालयाज के पहले क्या लिखा गया? द। विंध्याचल के पहले क्या है? द। सतपुरा के पहले द। इस प्रकार से जो भी पर्वत का नाम होता है तो पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले हम द का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स आर ग्रेट रिवर्स, जो नदियां हैं, महानदियां हैं, इनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, यमुना के पहले द, गंगा के पहले द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी। इस प्रकार से जो रिवर्स हैं उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यूनिक थिंग्स का तात्पर्य होता है कि जो इस संसार में, इस सृष्टि में सिंगल है, मात्र एक है, उसका दूसरा अपर रूप नहीं है। ऐसी चीजों के लिए जो एक है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सन एक है, द सन। स्काई क्या है? एक है, द स्काई। मून क्या है? एक है, द मून। एटसेट्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैनल्स जो होते हैं, जैसे यहां पे स्वेज कैनल के पहले द, नहरों के नाम, पनामा कैनल, पनामा नहर के नाम के पहले द, एटसेट्रा। ऐसे जो भी कैनल्स के नाम आप जानते हैं हम उसके पहले द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ओशियन एंड ग्रेट ओशियन, सागर, महासागर जितने हैं उसके नेम के पहले द का यूज करते हैं। इंडियन ओशियन के पहले द इंडियन ओशियन, रेड सी, द रेड सी, द पैसिफिक सी, द आर्कटिक सी। इस प्रकार से हम द का यूज करते हैं। डिजर्ट्स, जो रेगिस्तान होते हैं, द सहारा, सहारा पहले द थार, द ग्रेट गोबी डिजर्ट, एक्सेट्रा। जो भी डिजर्ट होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग करें। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, जो आइसलैंड्स का समूह होता है, द्वीप समूह जो होते हैं उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ऐसे द्वीप जो सिंगल हैं उनके नाम के पहले द नहीं, जो द्वीप समूह होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज। इस प्रकार से जितने भी जो द्वीप समूह है, द्वीप समूहों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो आप जानते हैं, ऐतिहासिक इमारतें, जैसे ताज, तो द ताज, रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, द लोटस टेम्पल। आई मीन कि जो भी ऐतिहासिक अपना ख्याति रखता है, फेमस है, नेम फेम उसका है, उसके पहले हम द का यूज कर लेते हैं। गल्फ्स माने जो खाइयां होती हैं, जैसे द पर्सियन गल्फ, पर्सिया की खाई, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाई। तो जो गल्फ होते हैं उनके नेम के पहले हम द का यूज करते हैं। रिलीजियस बुक्स, धार्मिक जो पुस्तकें हैं, द गीता, द रामायण, द बाइबिल, द कुरान, एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, द पायनियर, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी न्यूज़पेपर हैं इनके नेम के पहले द का प्रयोग। शिप्स, जैसे टाइटैनिक शिप, इसके पहले द, क्रूज शिप, इसके पहले द, जो भी शिप का नेम होता है उसके पहले। एक्सप्रेस ट्रेन जो होते हैं उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे द शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, द सप्त क्रांति, द गरीब रथ, ये सब क्या है? एक्सप्रेस के नेम है, इसके पहले हम द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, आप जानते हैं किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे टालेस्ट, ये टाल का क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव टालर, सुपरलेटिव टालेस्ट, द टालेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द स्मॉलेस्ट, एक्सेट्रा। पॉलिटिकल पार्टी जो हो जाती है, जैसे द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के पहले द, जनता दल,
द भारतीय जनता पार्टी, द बहुजन समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट नेशनलिटी, जहां पे नेशनलिटी को शो करना होता है, राष्ट्रीयता का बोध होता है, जैसे द इंडियंस, द एशियंस, द अमेरिकन्स। इस प्रकार से हम उसके पहले दो का यूज करते हैं। रिलीजियस क्रेड होता जो धार्मिक समुदाय होते हैं, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स एक्सेट्रा। इन्वेंशंस जो होते हैं इनके पहले हम द का यूज करते हैं। रेडियो क्या है? एक इन्वेंशन है, इसको खोज किया गया है। द टेलीविजन, द टेलीफोन, द मोबाइल एक्सेट्रा, ये सब इन्वेंशंस है, इसके पहले हम द का यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कुछ बॉन्ड है, कुछ कंडीशन में करते हैं द का यूज, कुछ कंडीशन में नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिखलाया गया है कि जो रिलीजियस बुक्स हैं, कभी हम इसके पहले द का प्रयोग करते हैं, कभी नहीं, सुपरलेटिव डिग्री है, कभी इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते। तो सोचिए कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। ओके, इतना टॉपिक आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू भी नोट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं और आसानी से एक जगह स्टोर कर लिए कि किस किस वर्ड के पहले, आई मीन किन नाउन के पहले आप द का यूज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ ऐसे सर्टेन टॉपिक है जहां पे हमें द का एक स्पेशल यूज देखना है। यहाँ पे देखें, जैसे जो रिलीजियस बुक होती है, जो रिलीजियस बुक्स होती है, अगर ये इसके ऑथर्स होते हैं, साथ साथ इसके ऑथर भी दिए गए होते हैं, तो वहां पे जो है हम द का यूज नहीं करते। जैसे आप यहां पे देखते हैं, जैसे मान यहां पे लिखा गया वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। अब वाल्मीकि रामायण मतलब वाल्मीकि का रामायण, अर्थात वाल्मीकि के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण। इसका तात्पर्य है कि हम वाल्मीकि द रामायण का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे व्यास महाभारत, व्यास महाभारत। अब यहाँ पे व्यास का महाभारत, इसका मतलब व्यास के द्वारा इसको लिखा गया महाभारत, तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं करते हैं सेंटेंस में। इसको करेक्ट इनकरेक्ट के रूप में भी आता है, जैसे यहां पे लिख दिया गया व्यास द गीता इज ए हॉली बुक, इसको हम करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट क्लियर करेंगे तो यहां पे क्या देखा जा रहा है, यहां पे लिखा गया है गीता और आथर के साथ, आथर के अगर साथ है तो यहां पे द का यूज नहीं होना चाहिए, अर्थात इसको लिखेंगे व्यास गीता इज अहाली बुक। इस प्रकार से इसका हम करेक्शन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमें आगे देखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉसेसिव केस आ जाता है, पॉसेसिव केस आ जाता है, तो यहां पे हम द का यूज नहीं करते। द का यूज हमें यहां पे नहीं करना है। जैसे यहां पे माय बेस्ट फ्रेंड। अब ध्यान रखिए माय क्या है, पॉसेसिव केस, आई का पॉसेसिव केस है, और यहां पे क्या लिखा बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, यहां पे द का यूज नहीं करेंगे, अर्थात यहां पे इसका इनकरेक्शन कैसे दे सकता है। जैसे यहां पे लिख दिया गया रवि इज माई द बेस्ट फ्रेंड। अब इसको अगर हम करेक्ट करते हैं तो यहां पे माई पॉसेसिव केस है, सुपरलेटिव डिग्री है, यहां पे जो द का यूज है इसको नहीं करेंगे, ये लिखेंगे रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, सी इज रवीश
बेस्ट पार्टनर, इसको करेक्ट करना। यहां पर देखिए क्या बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और रबीज यह नाउन के लिए बेस्ट ऑफ, इसका मतलब है पॉसेसिव केस दर्शा रहा, तो यहां पे भी हमें द का यूज नहीं करना। यद्यप यहां पे सेंटेंस में आपको इनकरेक्ट के लिए तब पहले से यहां पे द लिखा होगा क्योंकि मैंने पहले से ही इसको राइट कर दिया है। तो यह हो गया पॉसेसिव केस या सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले बीच में द जो है नहीं होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि सुपरलेटिव पहले अगर पॉसेसिव केस हो तो वहां पे द का यूज नहीं होना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं, सी इज रबीज बेस्ट क्या है पार्टनर। इस प्रकार से पॉसेसिव केस के साथ हम सुपरलेटिव से पहले द का यूज नहीं करते हैं। थोड़ा सा और हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आप देखते रहिए केयरफुली, जितने भी टॉपिक हैं आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा क्या इसका मेन थीम है। देखिए जब कभी भी पॉजिटिव डिग्री वह जो है एज अ टाइटल, जब एज अ टाइटल यूज होता है तो हम पॉजिटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग कर लेते हैं, द का यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अशोका द ग्रेट वाज अ ब्रेव किंग, अशोका द ग्रेट वाज अ ब्रेव किंग, अशोका द ग्रेट यानी अशोक महान, महान क्या है अशोक की टाइटल है, अशोक की एक उपाधि है, इसलिए ग्रेट यहां पे पॉजिटिव डिग्री है, फिर भी हम यहां पे किसका प्रयोग कर रहे हैं द का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से सेंटेंस में हम आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए लिख दिया गया इनकरेक्ट में, अलेक्जेंडर ग्रेट वाज द ब्रेवेस्ट वैद्य, करेक्ट करते हैं, अलेक्जेंडर ग्रेट माने सिकंदर महान, तो सिकंदर को ये महान की क्या मिली है उपाधि मिली है, जब उपाधि मिली है तो उस पॉजिटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होना चाहिए द, इसको लिखेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द ब्रेवेस्ट वैरियर। तो जब भी यहां पे टाइटल के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक उपाध के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पॉजिटिव डिग्री के पहले हम किसका प्रयोग कर लेते हैं द का। चलिए इसी पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट यहां पे बताते हैं। जैसे यहां पे लिखा गया ही इज द वाइस बॉय, अब देखिए वाइस क्या है पॉजिटिव डिग्री है, कंपेरेटिव वाइजर एंड सुपरलेटिव वाइजेस्ट होगा। अब इसके पहले हम यहां पे द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री के बाद यहां पे एक नाउन दिया हुआ हो तो हम यहां पे क्या प्रयोग करते हैं, यहां पे हम इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं अथवा ए एन का यूज करेंगे। यहां पे कॉन्सोनेंट है इसलिए अ का यूज कर दिए, यह हो जाएगा ही इज वाइस बॉय। मतलब क्या, अगर यहां पे पॉजिटिव डिग्री किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, कह सकते हैं यह एडजेक्टिव किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, तो वहां पे हम द का प्रयोग नहीं बल्कि इंडिफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए ही इज द वाइज, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर यहां पे वाइज के बाद कोई नाउन नहीं है तो यहां पर किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं यूज होना चाहिए, ना तो डिफिनिट और ना ही इंडिफिनिट। इसको सीधे लिख देंगे इस प्रकार से ही इज वाइज, अर्थात पॉजिटिव डिग्री के बाद कोई नाउन नहीं है तो उसके पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं, पॉजिटिव डिग्री के बाद कोई नाउन है तो वहां पे इंडिफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन हो सकता है, लेकिन अगर वही पॉजिटिव डिग्री क्या होता है टाइटल के रूप में प्रयोग किया गया है तो उसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। देखते हैं, आप कंटिन्यू बने रहिए। इस प्रकार से हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो यहां बताए हैं केयरफुली आप समझ सकते हैं। इसमें डिग्री के लिए यद्यप कंपेरेटिव डिग्री जब यहां पे एज
एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की भांति कार्य करता है तो हम इसके पहले द का यूज कर लेते हैं। एस द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो, यू गो माने तुम जाते हो कहां, हायर और ऊंचा जाते, कहां जाते हो ऊंचा, यह क्रिया को मॉडिफाई कर रहा तो हाई का कंपेरेटिव हायर, लेकिन इसी पहले द। यू फील माने तुम महसूस करते क्या, कूल नहीं कूलर, अधिक से अधिक कूल माने ठंडा, कूलर एडजेक्टिव का यहाँ पे जो है कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन यह एडवर्ब का कार्य कर रहा है इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग कर दिया गया, द का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार से हम इसको करेक्ट इनकरेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मोर यू थिंक मोर यू नो, मोर यू थिंक जितना अधिक तुम सोचोगे उतना अधिक तुम जानोगे, तो मोर क्या है, ये मच का कंपेरेटिव है, सोचोगे नहीं अधिक सोचोगे, तुम जानोगे नहीं अधिक जानोगे, क्रिया को मॉडिफाई कर रहा। इस प्रकार से एडवर्ब का कार्य करेगा, और एडवर्ब का कार्य करेगा तो यहां पे हम उसके पहले द का यूज कर देते हैं, द मोर यू नो। इस प्रकार से आप आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी डेफिनिट आर्टिकल मीन्स द में जो यूज बाकी है उसको मैं इसके अगले वीडियो में अपलोड करूं, तब तक आप इसको वॉच करते रहिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसके बाद आने वाला वीडियो वो इसी से रिलेटेड है, आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको इसको और उसको दोनों मिलाकर के आपको पूर्ण डेफिनिट आर्टिकल के बारे में नॉलेज हो पाएगा। थैंक यू।